कप्तान सुनता ना बेटे, कब तक तू इन बेजान चीजों की धज्जियां बिखेरता रहेगा? जानदार तो तेरे हाथ में कभी आती नहीं। वही तो गम है बाबा, आपने भी सिर्फ ये बताया कि वो लोग पांच थे, मगर वो लोग कौन थे, कहां रहते हैं और मैं उनकी क्यों तलाश करूं? क्यों तलाश करूं? ये जो पूछा तुमने तो ये बताने का वक्त आ गया है सुल्ताना। वो तुम्हारे माँ बाप और तुम्हारे कबीले वालों के कातिल थे। अब मेरे पास वक्त बहुत कम है बेटे, कहो कुछ भी नहीं, सुनो जो कुछ मैं कहता हूँ। मैं नजूमी हूँ, मेरी मौत मुझे साफ दिखाई दे रही है। इन बची खुची सांसों में मुझे वो कुछ कहना है जो तुम पर गुजरा है। सरदार, सरदार, फकीर बाबा अभी तक नहीं आए। सरदार आएगा, फकीर जरूर आएगा, हमसे वादा है फकीर बादशाह का। क्या वादा है सरदार? तुम पांच साल पहले दक्कन गए थे माल फरोख्त करने, तुम्हें नहीं मालूम कि फकीर बादशाह ने हमसे क्या कहा था? क्या कहा था सरदार? यही कि हम सुल्ताना की सिर्फ छह सालगिरह मना पाएंगे, लेकिन हम नहीं मानते। हम सुल्ताना की 60 सालगिरह मनाएंगे और हमारा कबीला सुल्ताना की 600 सालगिरह याद रखेगा। हमें अच्छी तरह याद है कि फकीर बाबा ने कहा था कि एक दिन हमारा बेटा चंबल का बेताज बादशाह होगा। आज सुल्ताना की छठी सालगिरह है, हम मनाएंगे, ताज पेश हो। अभी लाई सरदार। लीजिए सरदार, मुहूर्त का वक्त निकला जा रहा है। ये ताज तुम्हारे सर की जीनत बनेगा, या यूं कहना चाहिए कि तुम्हारा सर मुबारक इस ताज की जीनत बनेगा। ये ताज हम क्यों पहनेंगे बाबा? क्योंकि तुम्हारी मुट्ठी में सूरज है। हमें अच्छी तरह याद है जिस दिन तुम पैदा हुए थे, वो अकलमंद पागल यहीं था, मेहमान था हमारा। वो नजूमी है, गैब की बातें जानता है। बाबा, बाबा, मुराद पूरी हो गई। लड़का हुआ है, शेर हुआ है। हम भी देखेंगे। आप ही को तो लेने आया हूँ, मेरे शेर को देखने चलिए। नहीं नहीं सरदार, हम नहीं देखेंगे। क्यों नहीं देखेंगे? देखेंगे तो सच बोलेंगे, और सच बोलेंगे तो तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। हम बर्दाश्त करेंगे, बोलिए। तुम जंगजू हो, बंजारे और खाना बदोश, जान को हथेली पर और घर को कंधों पर लेकर चलते हो। सच को बर्दाश्त नहीं कर पाओगे तो हमको जान से मार डालोगे, क्योंकि हमारी जिंदगी अभी बाकी, हम जख्मी होकर जीना नहीं चाहते सरदार। बाबा, आपकी जान बख्श दी, अब तो चलिए। अच्छा, जान से लड़का हुआ है भाभी जी। लो बाबा। कड़ाई दस्त, आफ्ताब अस्त, सूरज है इसकी मुट्ठी में। सुल्तान ये बादशाह है, चंबल का बेताज बादशाह, हजारों को जिंदगी देने वाला, मगर लेने वाला भी सुल्तान, बेशक सुल्तान, बिना सुबह सुल्तान। बाबा, एक एक लफ्ज पे 100-100 मोती, बोलो और बोलो और बोलो। 6 साल गिरह तक ऐश करो, तुम भी, ये भी और मैं भी, सिर्फ 6 साल गिरह तक। मैं हर साल गिरह पर मिला करूंगा, उसके बाद बादल है, साया है, सफर है, लंबा सफर, कुछ नजर आता नहीं, दूर होता जा रहा है, दूर हो गया तुमसे भी, तुम्हारे कबीले वालों से भी।
सरदार शिवानी, हाथ क्यों रुक गया? हर लफ्ज पर 100 मोती देने का वादा था ना? आज दूंगा, 100 नहीं 1000 मोती दूंगा। अपने नन्हे सुल्तान के लिए हमने ये ताज बनवाया है बेटा, आज हम तुम्हें ताजदार सुल्तान बना देते हैं। ठहरो शिवानी सरदार, तकदीर के साथ तकरार अच्छी नहीं शिवानी सरदार, गजब हो जाएगा। अपने बेटे की तकदीर पर इस ताज की मोहर हम लगाएंगे बाबा, और आपके हाथों लगवाएंगे, इसकी ताजपोशी आप करेंगे। हम नहीं सरदार, नहीं। अल्लाह के कामों में दखल देना हमारी जरूरत नहीं। तुम डरते हो बाबा, और डरने वाले लोग शिवानी के दोस्त नहीं हो सकते। कहर हो जाएगा शिवानी सरदार। हम ये कहर भी देखने के लिए तैयार हैं बाबा। अल्लाह, खतरे में आप इसे बचा लो बाबा। बेटा अल्लाह सब ठीक करे, तुम यहीं बैठे। जोशी असली माल है, असली माल तो ये लगता है, ये यार। बाबा आपने ठीक ही कहा था कि मैं सुल्ताना की सिर्फ 6 साल गिराए मना पाऊंगा, पर बाबा मेरे बगैर इस मासूम बच्चे का क्या होगा? इसकी मां भी नहीं रही और अब मैं भी जिंदा नहीं रहूंगा, इसकी परवरिश कौन करेगा? तुम फिक्र न करो शिवानी सरदार, पत्थर के नीचे दबी हुई चींटी दबी रहकर भी अपना चारा ढूंढ लेती है, ये तो इंसान की औलाद है। बाबा मेरे पास वक्त बहुत कम है, मुझसे वादा करो कि मेरे बाद तुम सुल्तान को पालोगे पोसोगे, इसकी परवरिश करोगे, वादा करो, वादा करो। सरदार यकीन रखो, अल्लाह के बंदे होकर अल्लाह पर यकीन रखो। शिवानी सरदार, जिसका कोई नहीं उसका अल्लाह लियेवान होता।
जाता हूँ। सच्चे मोती है बेटे, इन्हें गवाओगे तो दिल का खजाना खाली हो जाएगा। तुम्हारी आंसुओं की गंगा जमुना को फिजूल मत बहने दो बेटे। इस तूफान का रुख उन्हीं की तरफ कर दो, उन्हें बह जाने दो, उन्हें बह जाने दो बेटे। बाबा, बाबा, बाबा। अच्छा सुल्तान बनाया है तूने मुझे। खाने के लिए जंगली घास और पत्ते, पहनने के लिए फटे हुए चीथड़े और रहने के लिए बंजर जमीन के तपते हुए पत्थर। मैं जानता हूं मुझे पाने के लिए मेरे बाबा ने तुमसे बड़ी मिन्नत की थी, भीख में मांगा था उन्होंने मुझे, लेकिन अब मेरी भी सुन ले। नहीं चाहिए, नहीं चाहिए तुम्हारी ये भीख में दी हुई जिंदगी। 20 साल तक दुश्मनों को ढूंढने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि मेरे दुश्मन वो नहीं, तू है। मेरे मां बाप और मेरे कबीले वालों के कातिल भी वो 5 नहीं, तू है। मैंने सुना है तू कुछ देने से पहले कुछ जरूर लेती है, तो लो, मैं अपने आप को तेरी बलि चढ़ा देता हूं। चाहते थे मगर तुम हो कौन? पद्मा,
तुम्हारे इस चंबल की बेटी। क्या किया उन लोगों ने तुम्हारे साथ? क्या किया उन लोगों ने? क्या कुछ नहीं किया उन लोगों ने? छोड़ दो मुझे। जानेमन, मुझे राना कहते हैं, मुझसे बचकर जा नहीं सकती। और मुझे जोशी पंडित कहते हैं, मैं वो पंडित हूँ जो बिना फेरों के शादी करता है। जब मैं वहाँ से अपनी इज्जत बचाकर भागी तब यह हार मेरे हाथ में आ गया था। कहाँ रहते हैं वो लोग? गाँव की सरहद के उस पार, जहाँ पर सिर्फ एक ही हवेली है। वो गुंडे लोग मुझे वहाँ पर उठाकर ले गए थे। कोने में भिखारी। भिखारी नहीं, तेरी मौत। तेरी कमर पर जो चमड़े की थैली बंधी है, याद करो वो किसकी है। क्यों याद नहीं आया? बंजारा सरदार शिवानी की है। आज से 20 साल पहले तूने मेरे मां बाप और कबीले वालों को मौत के घाट उतारा था। याद करो उस दिन को। उसी सरदार शिवानी का बेटा हूं मैं। तुम भी शिवानी का बेटा हूं मैं। तुम भी उन पांचों में से एक हो। हूं तो क्या हुआ? बताओ कौन थे? और जोशी पंडित हाथ से निकल गया अभी, मगर कब तक? अब वो तीनों कौन थे बताओ, बताओ। वीरेंद्र प्रताप, देवी सिंह, चौधरी। पंछी पकड़ता हूं। मेरे दाएं बाजू बन जाओ। चलो हया। यही है सेठ राम प्रसाद, इसने गरीबों का खून बहुत चूसा है। इसे जिंदा जमीन में गाड़ दो। जानता नहीं चंबल में दहेज लेना मौत है। एक दफा माफ कर दो सरदार, एक दफा माफ कर दो। भीमा, फौरन इसे ले जाओ और इसके बेटे की शादी भीकू की बेटी के साथ करवा दो। जा जाओ।
चलो हट। आज के बाद चंबल के किसी गांव में कोई भी गरीब भूख से नहीं मरना चाहिए। जिस गरीब को किसी भी चीज की जरूरत हो उसके घर पहुंचा दिया जाए। और अब सिर्फ 2000 की तो मांग कर रहा हूँ अपनी बेटी की शादी के लिए। 2000 मांग रहा हूँ? अरे भैया तेरी जमीन 25,000 की होगी औरों के लिए। अरे भाई मुझे तो अपने 500 रुपए निकालने भी भारी पड़ रहे हैं। लेकिन तू तो जानता है कि मैं बहुत रहम दिल इंसान हूँ। तू एक काम कर, 500 रुपए और ले ले और जमीन मेरे नाम कर दे। आइए सुल्ताना जी, आइए सुल्ताना जी, मैं आपकी क्या खातिर करूं? खातिर तो मैं तुम्हारी करूं। अरे भैया क्यों मारा मारी कर रहे हो? आखिर मेरे भी तो छोटे छोटे बच्चे हैं, उनका भी तो ख्याल करो। तूने कभी मेरे गांव के बच्चों का ख्याल किया था जो मैं तेरे बच्चों का ख्याल करूं? भीमा, समझ गया सरदार? अरे सुल्ताना जी माफ कर दो। अरे सुल्ताना, अरे ये तो मेरे बाप दादा की। बहुत वजनदार है सरदार। काफी गरीबों का खून चूसा है, ले चलो। अरे इन्हें कहाँ ले जा रहे हो? मुझे वापस दे दो, मुझे वापस दे दो। वापस करता हूँ, हमेशा के लिए वापस। अरे ये क्या कर रहे हो? मैं लुट जाऊंगा, मैं लुट जाऊंगा, मैं बर्बाद हो जाऊंगा। अरे भैया मैं बर्बाद चला दो। मैं बर्बाद हो जाऊंगा। चाचा धूमधाम से अपनी बेटी की शादी करवाना। सरदार, इस चंबल में एक गीदड़ पैदा हो गया है जो अपने आप को इस चंबल का बेताज बादशाह नकुल सुल्ताना कहता है। एक म्यान में दो तलवारें और एक जंगल में दो राजा, ये कभी नहीं हो सकता। इस चंबल का एक ही राजा है, वो है डाकू देवी सिंह, जिसके कहर से सारा चंबल कांपता है। खाना खाने के लिए जिस तरह हम शेर का शिकार करते हैं उस तरीके से वो भी मारा जाएगा। बागी सिंह जी सरदार, सुबह तक उस नाम मुराद की खबर हमें दो और उसके मौत की खबर उसे दो। कहो कि आके भीख मांग ले तो हमारी जूठन खाके अपनी जिंदगी गुजार लेगा। नहीं तो? नहीं तो नहीं तो इस मशाल की तरह बुझा दिया जाएगा। दियो यो न पचोदयात् ओम भूर्भुवस्सवः तत्सवितुर् भरेणीयम्। अगर किसी ने कोई गलत हरकत की तो मेरे आदमी तुम्हें गोलियों से भून डालेंगे। इस दुल्हन को चुपचाप हमारे हवाले कर दो, सुबह होते तुम्हारे पास। छोड़ दो मेरी बच्ची को, छोड़ दो भगवान के लिए, छोड़ दे। अरे कोई बचा लो भगवान के लिए मेरी बच्ची को, छोड़ दे। क्या हुआ माँ जी, वो क्यों रही हो? बेटी को उठा कर डाकू ले गए हैं। किस तरफ ले गए? इस तरफ ले गए हैं। चलो
बचाओ! छोकरे कौन है तू? शायद तू नहीं जानता कि मैं कौन हूं। अच्छी तरह देख ले, चंबल का पेताज बादशाह हूं मैं। ओ, तू ही है वो सुल्ताना जिसके सर पर 1,00,000 रुपए का नाम है? हाँ वही हूं मैं। ए छोकरे हट जा मेरे रास्ते से। बाप को छोकरा कहने वाला बदतमीज आज पहली बार देख रहा हूं। तुमने शेर के मुंह में हाथ डाला है। तुम जैसे शेर मेरे खेमे के बाहर पहरा दिया करते हैं, तो फिर देख इस बब्बर शेर को भी। ये क्या किया तुमने? भैया यही देवी सिंह था, तुम्हारे माँ बाप का कातिल। देवी सिंह आ गया। मैं आ गया, मैं आ गया। आए तू ये क्या चाट रही है? बाबा बाबा कुछ नहीं, मूंगफली की कसम। सच सच बता तू क्या चाट रही है? वो नहीं बताएगी तो फिर तो ऐसे तूने राम तेरी गंगा मैली देखी? राम तेरी गंगा मैली? हाँ देखी। हाँ देखी देखी। ये राम मेरी गंगा मैली हो गई। ये क्या मेरी गंगा मैली हो गई? अरे मेरे मतलब, तेरी गंगा मैली नहीं हुई। तेरी गंगा गंगा की तरह एकदम पवित्र है। पवित्र है? है। तो फिर तू कसम खा। कसम? हाँ हाँ, इस मछली की कसम। अरे इस मरी हुई मछली की कसम मत खा, इस जिंदा कद्दू की कसम खा। ले पकड़। अरे ओ मेरे बुद्धू, तेरे इस कद्दू की कसम के तेरी ये गंगा एकदम गंगा की तरह पवित्र है। धन्य है, धन्य भाग मेरे। ये लेकिन ये मछली किसके लिए थी? मेरी भाभी के लिए, मेरी भाभी के लिए। तेरी भाभी के लिए? हाँ मेरी भाभी के लिए। तेरी भाभी राम तेरी गंगा मैली हो गई? हाँ हो गई। बहुत खुशी की बात है, है ना? मेरी गंगा
मेरे बटलर आलिंगन। हाय मेरे बटलर आलिंगन। मेरे बटलर आलिंगन। तू जा आलिंगन, जल्दी जा, आँख खोल। अरे मेरी गंगा, तेरी आवाज मोटी कैसे हो गई? आँख तो खोल कहता हूँ। और ये मुंह पे खेती कैसे हो गई? अरे उस लड़की का बाप हूँ मैं, आँख खोल, आँख खोल। मेरी नाक में घास जा रही है। अरे उस लड़की का बाप हूँ मैं, आँख खोल, बोलता हूँ, आँख खोल दे। कौन है गंगा? उस लड़की का बाप हूँ, गंगा नहीं हूँ मैं, समझे? विश्वाधारं गगन सदशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वंदे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं हरि। ओम सूर्यो देवताय नमः स्वाहा। ओम चंद्रो देवताय नमः स्वाहा। ओम बुद्धो देवताय नमः स्वाहा। ओम मंगलो देवताय नमः स्वाहा। बैठ जाइए। अब वर को चाहिए कन्या का हाथ अपने हाथ में लीजिए। मैं सुल्ताना डाकू। डाकू सुल्ताना? डाकू सुल्ताना? गजब हो गया। पुलिस की वजह से मुझे ढोंग करना पड़ा। अब आप लोग शादी कर लीजिए। अरे भाई, कोई असली दूल्हे को तो ढूंढो, शादी का शुभ मुहूर्त निकला जा रहा है। अरे हाँ हाँ, मेरे बेटे को तो ढूंढो, वो है कहाँ? अरे रे 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 रे, मेरे बेटे, क्या हुआ? हाथ खोलो, हाथ खोलो। शुभ शीघ्रम, जल्दी कीजिए, मुहूर्त का टाइम सिर्फ 3 मिनट रह गए। बैठिए। ये शादी नहीं होगी। अरे बेटी, क्या कह रही हो? शादी क्यों नहीं होगी? शादी जरूर होगी। ठीक कह रही हूँ मामा, मेरी शादी क्या 2 बार होगी? अभी तो फेरे लिए हैं मैंने। अरे वो जबरदस्ती की शादी थी, सुना नहीं वो क्या कह के गया है? उसने जो कहा उसका धर्म जाने, मेरा धर्म ये है कि मैंने उसके साथ साथ फेरे लिए। अरे बेटा, वो डाकू था, डाकू, सुल्ताना डाकू। चाहे डाकू हो, पर आज से वो मेरे पति हैं। अरे गरम जली पकड़ो इसे, इसे मैं देखती हूँ। शादी और वो भी मेरी, ये क्या मजाक कर रही हो? भैया, जिस लड़की के साथ आपने साथ फेरे लगाए हो वो आपकी पत्नी नहीं तो और कौन है? हाँ, जाओ भैया और उसकी डोली लेकर आओ। अरे पगली, अब तक तो उसका असली पति उसकी डोली लेकर चला भी गया होगा। लेकिन भैया, अगर वो दोबारा फेरे लगाने से इनकार कर दे तो? क्यों करे? हा? सब तेरी तरह पागल थोड़ी है। और फिर वो एक डाकू को अपना पति क्यों मानेगी, जिसके सर पर 1 लाख रुपए का इनाम हो? आज तो मुझे बाहर निकलना है मम्मी, मुझे गजरे का कलर चाहिए। निकल यहाँ से, मत निकलो। इसने मेरा काला कर दिया है। तू सोच क्या कर रही है भगवान? जाओ यहाँ से और कान खोल के सुन। आज के बाद जो तूने अपनी काली सूरत दिखाई तो टांगे तोड़ दूंगी। निकल जा यहाँ से। अरे भगवान, जरा तो रहम कर इस बेचारी पे। तुम चुप रहो जी। जवानी को मिट्टी में मिला रही हो? क्या नाम है तुम्हारा? फूल। चलो मेरे कोठी की रौनक बन जाओ, फिर खुद ब खुद जीना सीख जाओगी। चलो चलो ना, चलो। हाँ चलो। चिल्ला क्यों रहे हो? कुछ पता चला चौधरी का? हाँ सरदार, वो आजकल खानाबदोशों की तरह आज यहाँ तो कल वहाँ घूमता रहता है। तुम जानते हो मुझे पहेलियों में बात सुनने की आदत नहीं। तो फिर सरदार, वो आज रात को फूल कमर के कोठे पर गाना सुनने जाएगा।
तो फिर वहाँ जाने की तैयारी करो। सरदार, वो किसी गैर का इलाका है, बंदोबस्त के साथ जाना पड़ेगा। चंबल की इस घाटी में मैंने तुम सबको जमा किया है, ना कि तुम सबने मुझे। अपनी जिंदगी में अगर हुक्म चलेगा सिर्फ मेरा, और हमदर्दी भी सिर्फ मेरी। सर, खबर मिली है कि आज रात को कुछ गुंडे और कुछ डाकू लोग फूल कवर के कोठे पर गाना सुनने आ रहे हैं। तो डीएसपी साहब से कहना कि हम उनसे रात को मिलेंगे, और फूल कवर के कोठे की चारों तरफ सख्त पेरा लगाओ और मेरे ऑर्डर्स का इंतजार करो। अब जाओ। वेरी गुड। अब ड्यूटी ज्वाइन करने से पहले ही मैं डीएसपी साहब को अपने कुछ कारनामे दिखाऊंगा।
तुम्हारा क्या काम है जो है नाम वाला है, जो है नाम वाला। अरे क्यों भाई राम भरोसे, क्या हाल है? किछु ना ही पूछो सरकार, आजकल तो बड़ी मंदी चल रही है, ग्राहक ही नहीं दिखता, और दिखे भी कैसे सरकार, फूल कंवर को छोड़कर यहाँ है ही कौन? तुम ठीक कहते हो राम भरोसे भाई, बात तो 16:15 आने सही है। मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि अपनी फूल कंवर। चौधरी साहब। कौन है बे तू? ऊपर से परवाना आया है। परवाना किसका? फूल कवर का। राम भरोसे, तुम्हारे पास थोड़ा दारू होगा तो मजा आ जाए। राम भरोसे दे दो इन्हें, ऊपर जाना है। अच्छा तो सरकार जी भर के पी लो और यहाँ से ऊपर का रास्ता नापो, ठहरो हम भी पियत हैं। अरे 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 चलो देर हो रही है। अच्छा चलो भाई। आइए चौधरी साहब, बड़ी बेसब्री से आपका इंतजार किया जा रहा है। अरे फूल कंवर, तुमने हमको याद किया, बोलो बोलो। कफन पहनने के बाद कहाँ उठकर जा रहे हो चौधरी? अरे भैया तुम कफन की बात कर रहे हो, अभी तक तो मैंने सेहरा भी नहीं पहना। भैया सेहरा तुम पहन लो, मैं कोई और घर देखता हूँ। अपने इस कंगन की तरफ देख जो तेरे हाथ में है, वो बंजारा सरदार शिवानी का है। भैया वो जवानी का जोश था, अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ। अब मैं जवान हो गया हूँ, तब मैं बच्चा था। भगवान भी 3 बार माफ करता है, मुझे एक बार माफ कर दो, मुझे एक बार माफ कर दो, हमेशा हमेशा के लिए। ठहरिए। क्या बात है तवाइफ? तवाइफ कहने से पहले सोच तो लिया होता कि तवाइफ बनाने वाला कौन है। आप में दम नहीं है जवाब देने का। खैर जब इस तवाइफ के कोठे पर आ ही गए हो तो एक वादा करो, मैं जब भी अपनी रक्षा के लिए आपको याद करूं आप हाजिर होंगे। तुम्हारी रक्षा के लिए कोई ना कोई सुल्ताना जरूर आएगा। क्या हुआ सर के रास्ते में खबर मिली कि एक डाकुओं का गैंग किसी गानी वाली की कोठी पर आ पहुंचा है, तो मैं भी ये भेस बदल कर वहां पहुंच गया। और तुमने गाना सुना? गाना सुना तो सही सर, लेकिन क्या हुआ कि वो साले डाकू लोग बाल बाल बच गए। बाल बाल तुम भी बच गए? यू राइट सर। मिस्टर यंग, ये डाकुओं का इलाका है, बगैर फोर्स के कहीं तुम जाना नहीं। वेरी गुड सर। ये तुम्हारी जिंदगी का पहला केस है, आई होप ये आखिरी नहीं होगा। वेरी गुड सर। चंबल का बादशाह डाकू सुल्ताना और इनाम 1,00,000 रुपए। क्या सर वाकई ये केस इतना मुश्किल है? खैर नामुमकिन तो नहीं है, सिर्फ ये कि तुम्हारी जगह आए हुए 3 इंस्पेक्टर जा चुके हैं। कहाँ सर? गॉड ऑलमाइटी के पास। ओह और मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे जैसे नौजवान। डोंट वरी सर, मैं इतनी जल्दी मरने वाला नहीं हूँ। और रहा डाकू सुल्ताना, तो कसम मरियम माँ की 20 दिन के अंदर वो आपके कदमों में होगा। That's a good special man. क्यों हंसता है? हंसता नहीं साहब, रोता है। क्यों रोता है? आपका कान देखकर साहब। मेरे कान क्यों? पहचान के वास्ते, आपके पहले वाले साहब के कान ही मिले थे, डेड बॉडी नहीं। तुमने डाकू सुल्ताना के कान देखे? अब तुम उसको पहचानोगे, अब तुम उसकी बॉडी के एक एक टुकड़े को पहचानोगे। अब सानी जी करो, अब पानी में डाकू सुल्ताना का सर तैरेगा और तुम देखोगे। क्या इंग्रेज अफसर सुल्ताना को 20 दिन में पकड़ेगा? हाँ मैं सच कह रही हूँ, वो बटला कह रहा था। हाँ दीदी सही कह रही है, तब तो ये बात भैया को बतानी चाहिए। हाँ बताओ, जरूर बताओ भैया को, पर हमारे बटलों को तो कुछ नहीं होगा ना। और मेरे कृष्णा को तो कुछ नहीं होगा ना। मेरी भोली बहनों, तुम दोनों के लल्लुओं को कुछ नहीं होगा। जाओ तुम दोनों अपने लल्लुओं के साथ ऐश करो। मेरी अच्छी दीदी। भैया वो इंगी से एक फिरंगी है, वो इंगी भैया जहाँ वो हाँ वहीं से, वहाँ से एक फिरंगी है, उसने कसम खाई है कि वो 20 दिन में आपको पकड़ लेगा।
लगता है कान की जगह नाक भेजनी पड़ेगी थाने में। नाक भैया? हाँ, अंग्रेजों के नाक। मगर हम उस अफसर से जरूर मिलना चाहेंगे जो अपनी जान हथेली पर रखकर चंबल की घाटी में आया है। लेकिन भैया। क्यों पगली, डर गई? आज तक किसी भी कारखाने ने वो गोली इजाद नहीं की जो सुल्ताना के सीने को चीर सके, ना ही किसी माँ की कोख ने उस माई के लाल को जन्म दिया है जो सुल्ताना को गिरफ्तार कर सके। 20 साल की तालीम है मेरी, मैं अपना गुरु भी खुद हूं, शागिर्द भी खुद। तुम एक काम करो, थाने के आसपास के इलाके में खबर कर दो कि अष्टमी के दिन सुल्ताना दुर्गा माँ की मूर्ति पे छत्र चढ़ाने आ रहा है। Hey!
जब तक तेरा साथ है मैया, दुश्मन से क्या डरना, तू ही सब कुछ जाने किसने कब जीना कब मरना। तेरा ही संसार है, तेरा परिवार है, तेरी जय जयकार है रानी माँ। आरती उतारो मैया रानी की, माँ भवानी की, महारानी की। आरती उतारो मैया रानी की, माँ भवानी की, महारानी की। सबकी रक्षा करने वाली तू है दुर्गे माता। रोक सके ना कोई उसको जो तेरे दर पे आता। ओ मैया रानी साहब, सोने की अशरफियां वो भी पेड़े में है, देखो। क्या? देखो साहब। सोना? साहब साहब, वो जो आदमी गाना गा रहा था ना, उसने आपके नाम चिट्ठी दी है। यंग साहब, आपको देखना था, देख लिया। भलाई इसी में है कि आप अपने देश वापस लौट जाओ। सोना बांटकर जा रहा हूं, और बांटने वाला कभी डाकू नहीं होता। तुम्हारी जिंदगी का मकसद सुल्ताना। पकड़ो उसको, भागने ना पाए। अरे अरे अरे, दूसरी अशरफी निकली सोने की मुंह में। तुम बच गए सुल्ताना, मगर हमारा कानून सात समुद्रों के पार तुम्हारा पीछा करता रहेगा, और हमारी जेलें तुम्हारा इंतजार करती रहेंगी। दोस्तों, राणा और चौधरी को सुल्ताना ने खत्म कर दिया। अब समझ लो अपनी बारी है। चीखने से क्या फायदा है यार? अरे यार, मैं चीख नहीं रहा, समझा रहा हूं। हमारे बचाव के लिए सुल्ताना को खत्म करना बहुत जरूरी है। अरे खत्म तो मैं उसको उसी दिन कर देता जिस दिन वो मेरे सामने आता, पर वो साली लौंडिया मेरी बंदूक की इज्जत में आ गई। अरे यार साहब, निकल गया, अब लकीर पीटने से क्या होगा। मैं तो कहता हूं कि अगर सुल्ताना को खत्म करना है तो उसको उसके इलाके से बाहर निकालना बहुत जरूरी है। और फिर तुम उसे गोली मार के खत्म कर दो, यही ना? अरे यार, तुम समझते क्यों नहीं? उसने खुलेआम आकर राणा को खत्म कर दिया और चौधरी को फूल कमर के कोठे पे। फूल कमर? हाँ। ये सुल्ताना का फूल कमर से कोई रिश्ता है क्या? भाई सुना है कि वो उसे प्यार करता है। तो फिर बात बन गई। बिरजू। जी सरकार। कल हमारी सालगिरह का जश्न मनाया जाएगा। जी। तुम लल्लू को खबर करो कि वो फूल कंवर को न्योता दे। जो हुकुम सरकार। और जोशी, तुम इंस्पेक्टर यंग को न्योता दो। वो किस लिए? वो इसलिए कि अगर सुल्ताना फूल कंवर से प्यार करता है और वो आई तो सुल्ताना भी जरूर आएगा। मुझ में ऐसी कौन सी कमी है जो तुम्हें फूल कमर में दिखाई देती है? दिल की बात तुम नहीं समझोगे कुसुम। नहीं सुल्ताना, तुम ऐसा नहीं कर सकते। मैं अपनी जान दे दूंगी, पर तुम्हें नहीं छोड़ सकती।
तुम जानती हो सुल्ताना के सामने जान की कोई कीमत नहीं, और वैसे भी बाजार में सौदागर बहुत है, तुम्हें कोई ना कोई मिल जाएगा। सौदागर तो मैं तुम्हें मान चुकी हूँ, मगर याद रखना कल के लॉन्डी के लिए तुमने मुझे ठुकराया है तो पछताना पड़ेगा। तुम जानती हो सुल्ताना किसी औरत पर हाथ नहीं उठाता, अगर तुम्हारी जगह कोई मर्द होता तो उसके जिस्म के चीथड़े हो जाते। सुल्ताना अगर तुम मेरे नहीं हो सकी तो किसी और का भी नहीं होने दूंगी तुम्हें। ते मत करो, बातों से मुझे चिढ़ होती है। बड़ी चालाक हो तुम, बातों बातों में सारी रात निकाल दी, अब तो सूरज भी चढ़ने लगा है। अच्छा मैं चलता हूँ। फिर आओगे ना? तुम्हारे पास से जाना ही कौन चाहता है मेरी जान। कबाब में हड्डी कहाँ से आ गया? क्या बात है रमता? लल्लू भैया आए हैं, ठाकुर वीरेंद्र प्रताप का गाने के लिए बुलावा है। जाओ ठाकुर वीरेंद्र प्रताप के आदमियों को जाकर कह दो कि फूलकुंवर अब सिर्फ सुल्ताना के लिए गाएगी। नहीं, तुम गाओगी। रमता जाकर कह दो कि फूल कंवर हाजिर हो जाएगी। ठीक है सरकार, हम खबर भिजवाए देते। मैंने कहा ना मैं किसी और के सामने नहीं गाऊंगी। तुम गाओगी फूल, मेरे सामने गाओगी। अरे ओ कुसुमकली, मैं कब से तुम्हें ढूंढ रही हूँ। क्या बात है? सुल्ताना मुझे वीरेंद्र प्रताप के यहाँ नाचने के लिए भेज रहा है। सुल्ताना तुम्हें भेज रहा है तो तुम क्यों नहीं जाती? उसको नहीं मालूम कि मैंने उसकी कसम खाई है कि मैं उसके सिवाय किसी और के आगे नहीं नाचूंगी। ओ तो सुल्ताना वहाँ? नहीं नहीं, वो वहाँ जरूर पहुँचेंगे। तो मैं वहाँ नाचने जरूर जाऊंगी। कुसुमकली कितनी अच्छी हो। देखती हूँ सुल्ताना आज कैसे बचता है। किसी और से
है मेरे सामने तू मुंह खोल सके। मैं भी हूँ तेरी मौत ये तू जान ले, तू भी मुझे अच्छी तरह पहचान ले। हे वक्त अभी मान मेरा कहना तू, चाहती नहीं इस दुनिया में अब रहना तू। मैं कहती हूँ मैं एक जलती आग हूँ, अरे मैं भी तो जंगल का काला नाग हूँ। टुकड़ों में बंटवा दूं मैं, इस मेरी मुट्ठी में ये तेरी जान है, और तू भी तो घड़ी की अब मेहमान है। तेरे हर एक राज की ये गवाह हूं मैं, ये सोच ले चंबल का बादशाह हूं मैं, चंबल का बादशाह हूं मैं, चंबल का बादशाह हूं। ठीक पहचाना तूने मुझे, मैं हूं चंबल का बादशाह सुल्ताना। मुझे माफ कर दे सुल्ताना। माफ कर देता हूं, मेरी जिंदगी बर्बाद करने वाले तुम पांच थे। मुझे माफ कर दे। उनमें से दो को तो मैं हमेशा के लिए माफ कर चुका हूं, अब तेरी बारी है। फुलकमर, फुलकमर, फुलकमर। उसे तो आप ही ने बुलाया था। हमने? कौन लेने आया था? यंग साहब। हिमा। जी सरदार। इससे पहले कि हम उसे तबाह और बर्बाद कर दें, उस अफसर को इत्तला कर दो कि वो हमसे आकर मिले। आपने वर्दी नहीं पहन रखी है यंग साहब। नहीं सुल्ताना, आज मैं दोस्त बनकर आया हूं, और वैसे भी आपके हिंदुस्तान में बहुत गर्मी है। जी हाँ, हिंदुस्तान देश ही ऐसा है, यहां हर चीज में गर्मी है, वातावरण में, दिल में और खून में भी। वैसे फुलकंवर को उठाने की वजह समझ में नहीं आई। तुम तक पहुंचने के लिए, और वैसे अगर हम उसे नहीं उठा लाते तो आज हम दोनों इस तरह यूं इन वीरान घाटियों में नहीं मिल रहे होते। अगर आपकी मिलने की तमन्ना पूरी हो चुकी हो तो फूल कमर को छोड़ने की कीमत क्या लेंगे? कीमत? ये तो बहुत ओजी बात हुई सुल्ताना। हमको कीमत की जरूरत नहीं है, हमें तुम्हारी जरूरत है, बल्कि यूं कहो कि सरकार को तुम्हारी जरूरत है। फूल कमर को छोड़ दिया जाएगा, लेकिन उसके बदले हमें तुम चाहिए। मंजूर? सोच लो सुल्ताना, अच्छी तरह सोच लो। वैसे ये साबित हो चुका है कि तुम्हें फूल कमर कितनी प्यारी है, और मैं भी तुम्हारा कोई दुश्मन नहीं, दोस्त हूं। मैं तुम्हारे लिए सरकार की तरफ से इनाम दिलाने का वादा नहीं कर सकता हूं, लेकिन तुम्हारी सजा जरूर कम करा दूंगा। नसीहत के लिए शुक्रिया यंग साहब। फूल कमर को छोड़ दो, मैं अपने आप को आपके हवाले कर दूंगा। कर दूंगा दोस्त? कर दो। तुम चाहो तो अभी चल सकते हो मेरे साथ। लेकिन इसका क्या भरोसा कि मैं अपने आप को तुम्हारे हवाले कर दूं तो तुम फूल कमर को छोड़ दोगे? दोस्त, ताली दो हाथ से बजती है। तुम मुझ पर भरोसा करो तो मैं तुम पर। ठीक है, तो फिर इस सौदे की मेरी पहली और आखिरी शर्त भी सुन लो। कल ठीक इसी वक्त इसी जगह पर तुम फूल कमर को घोड़े पर बिठा कर छोड़ोगे, दूसरी तरफ से मैं आऊंगा अकेला। लेकिन एक बात याद रहे, फूल कमर की जान को कोई खतरा नहीं होना चाहिए। अगर यह शर्त मंजूर है तो कल आसमान पर गुब्बारे छोड़ देना, अगर नहीं तो फूल कमर तो बच जाएगी
मगर तुम जिंदा नहीं बचोगे। खुदा हाफिज। सरदार, मुझे नहीं लगता कि हमको आपकी यह शर्त मंजूर हो। फूल कंवर उनके किसी काम की नहीं है भीमा, उन्हें सिर्फ सुल्ताना चाहिए और सुल्ताना को पाने के लिए उससे गुब्बारे उड़ाने ही। खूबसूरत लगता है ये। अरे ये कहीं फिल्म का डाकू तो नहीं? अबे ये असली है, डाकू सुल्ताना। कोई तब तक गोली नहीं चलाएगा जब तक मेरी पिस्तौल से गोली ना निकले। वादे के मुताबिक मैं आ गया हूं। सुल्ताना, अपने आप को हमारे हवाले करके ये साबित किया कि तुम वाकई मर्द हो। अब फूल कंवर को छोड़ दो। फूल कंवर को छोड़ दिया जाए? आओ सुल्ताना, आओ। पत्थरों में देना। कान तो देख ले अच्छी तरह, शिनाख्त तो तुझे करनी है बाद में। यंग साहब, वादे के मुताबिक हमने अपने आप को तुम्हारे हवाले किया। किया? अब क्या तुम में दम हो या तुम्हारी फौज में दम हो तो मुझे रोक कर दिखाओ। पकड़ो सुल्ताना को।
चलो जल्दी बैठो जल्दी। शादी तो कर ही ली थी मगर आज पृथ्वीराज की तरह संयोगता की डोली भी ले जा रहे हो। सुल्ताना तू मर्द नहीं है लेकिन तू मेरे हाथ से नहीं बचेगा। औरत के घर में आने से एक फायदा तो नजर आ रहा है, छोटे छोटे तीतर बटेर की जगह बड़ी बड़ी मुर्गियां आ गई। जरा दिखाना। हा 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 इस तरह क्या देख रही? देख रही हूँ शादी तो कर ही ली थी पर आज डोली भी ले आए। भाई डोली तो ठीक है मगर ये शादी वादी की क्या बात कर रही है? वैसे ताकत तो बहुत है तुम्हें पर यादाश्त बहुत कमजोर है। देखो फूल जब मैं 6 साल का था तब मेरे साथ जो कुछ भी हुआ मुझे अच्छी तरह याद है। तो ऐसे कैसे हो गया जब तुम 26 साल के थे तब जो कुछ हुआ वो तुम्हें याद नहीं? क्या मतलब? चलो मैं बताती हूँ। एजी तुम तो डाकू हो पुलिस से भागने में ही आधी जिंदगी बीत जाती है तुम जैसो की। और मान लो कभी पुलिस से बचने के लिए तुम किसी शादी में घुस जाओ तो दूल्हा भी तुम ही बनकर बैठ जाते होगे। अरे ऐसा किस्सा तो अभी कुछ महीने पहले हुआ। एक बार पुलिस से बचने के लिए मैं किसी शादी में चला गया, वहां दूल्हा बनकर दुल्हन के साथ साथ फेरे भी ले लिए और उसके बाद तुमने उसकी खबर भी नहीं ली। अरे भाई अब तक तो बच्चे की मां भी बन चुकी होगी बेचारी, मगर तुम क्यों पूछ रही हो? इसलिए क्योंकि मैं वही अभागन हूं। तुम? मगर वो कोठा मामी ने धक्के मारकर घर से निकाल दिया था। मैं मरना चाहती थी मगर कुसुम कली ने बचा लिया और उसके बाद उस कोठे की रौनक बना दी गई। सुनो अब किसी के साथ ऐसा नहीं होगा। मेरी धन्य लक्ष्मी। क्या है? मेरी प्यारी लक्ष्मी अगर मैं तुझे छू तो तू करंट तो नहीं मारेगी? छू कर देख लो। बड़ा जोरदार करंट मारती है। मेरी लक्ष्मी मैं तेरे लिए मूंगफली लाया हूँ। मूंगफली? हाँ तू एक मूंगफली खा ले मेरे 4 बच्चों की माँ बन जाएगी। दैया रे दैया इस परिवार नियोजन के जमाने में तुम मुझे 4 बच्चों की माँ बनाओगे और वो भी मूंगफली खिला के? कैसे मरद हो जी तुम? देख धन्य लक्ष्मी तू मेरी मर्दानगी को मत ललका। इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। अच्छा? अरे मैं तो मूंगफली वाले बाबा के पास गया था। वो सबकी इच्छा पूरी करने के लिए मूंगफली बांटता है। अच्छा? उसने कहा तू अपनी प्रेमिका को जाके मूंगफली खिला दे वो तेरे बच्चों की माँ बन जाएगी। एक नहीं दो नहीं तीन नहीं 4 बच्चों की माँ बन जाओगी बिना शादी के। हाँ बिना शादी के माँ बन जाओगी। अरे मूंगफली की छठी औलाद मेरे घर की घानी में कौन सा तेल निकालना चाहता है? बाप रे ये मोटा बैल कहाँ से आ गया? अभी झोंक देता हूँ घानी के अंदर। अरे कबाब का क्या हुआ? कबाब 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 में तो हड्डी आ गई है। हड्डी आ गई? हाँ जैसे तुम आ गए हो। लेकिन मैं कोई बात नहीं मैं कबाब बनाऊंगा लेकिन तुम आइंदा से बगैर हड्डी का मटन लाया करो। अच्छा। ताकि कबाब अच्छे बने। अच्छा। समझे? लो मूंगफली खाओ। मूंगफली? खांदे खांदे मूंगफली मत खाना। क्या बात है भाई? अरे बापू सत्यानाश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अरे अब मैं कैसे बताऊं? मूंगफली खाने से? नहीं 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 बापू मूंगफली खाने से ना अगर तुम्हें खा गए तो तुम 4 बच्चों की माँ बन जाओगे। 4 बच्चों की माँ? 4 बच्चों की माँ बन जाएगे। अरे हरामजादे मेरी लड़की को भी 4 बच्चों की माँ बनाना चाहता है और मुझे भी 4 बच्चों की माँ बनाना चाहता है। मैं खिलाता हूँ तुमको मूंगफली। मैं खिलाता हूँ। मूंगफली खिलाता था ये मूंगफली का चखा ले ले। आटा खा।
अरे ये क्या हुआ तुम्हें? मुझे कुछ नहीं हुआ है। तुम अपने आप को चंबल का बादशाह कहते हो लेकिन हो एकदम बुद्धू। क्यों? तुम्हें इतना भी नहीं मालूम कि औरत शादी के बाद उल्टी क्यों करती है? क्यों करती है हमें क्या मालूम भाई। हे भगवान, मैं किस डाकू के पल्ले पड़ गई? अरे डाकू महाराज, दुनियादारी में आ जाओ और मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। क्या? यानी कि मैं बाप बनने वाला? हाँ। अरे ओ भीमा राका, अरे मैं क्या बाप बनने वाला हूँ? अरे भीमा, आओ आओ पतवा, गांव में सबका क्या हाल है? सब ठीक है भैया। इस पोटली में क्या लेकर आई है? भैया आपकी मनपसंद मक्की की रोटी और सरसों का साग देसी घी डाल के। सरसों का साग और देसी घी डालकर? मैं तो यहाँ तीतर बटेर खा खा कर तंग आ गया हूँ। भैया भाभी नहीं दिख रही, कहाँ गई? उस तरफ गई है शायद, वो बेर-बेर चुन रही होगी। ठीक है भैया, आप तब तक इसकी खुशबू सूंघिए, मैं भाभी को देख कर आती हूँ। खत्म मत कीजिएगा। जाती हूँ ना भैया। चल जल्दी चल। आँखें क्यों दिखा रहे हो? सरसों का साग और देसी घी में। पद्मा कहाँ है? पद्मा चली गई। क्या कह रही थी वो? कुछ नहीं। कुछ तो कहा होगा। कह रही थी अगर बेटा हुआ तो उसे क्या बनाओगी। तुमने क्या कहा? मैं क्या कहती? मैंने कहा जो उसका बाप चाहेगा। तुम क्या चाहती हो? उस ऐसे रहो जैसे मेरी चलने दोगे। अरे अरे कुछ कहो तो सही। मैं चाहती हूँ मेरा बेटा थानेदार बने। धत तेरी की, ताकि बड़ा होते अपने बाप को ही धर ले। मैं तो अपने बेटे को जज बनाने चाहता हूँ। मौका पड़ने पर वो मुझे माफ तो कर दे, बल्कि मैंने तो उसका नाम भी सोच लिया है, हकीम फखरुल हक सुल्ताना। घरे रह जाओगे अगर लड़की हुई तो? जान से ना मार डालूंगा उसे। हाँ, जैसे कि मैं मर गई हूँ जो उसे मारोगे? अजीब है। ए, रुको रुको रुको। सुना है जब पाँव भारी होते हैं तो भागना नहीं चाहिए। ये सुना है कि जब पाँव भारी हो तो भागना नहीं चाहिए, और ये नहीं सुना कि जब लड़की जवान हो जाए तो उसकी शादी कर देनी चाहिए। किसकी बात कर रही है? अपनी पद्मा की, और अब वैसे भी वो जवान हो गई है। अरे बाप रे, उसके बारे में तो मैंने सोचा ही नहीं। चलो कोई बात नहीं, कल ही उसकी शादी करवा देते। भैया भैया, जुग जुग जियो, सदा सुहागन। चलो इधर चलो। छोड़ दे मुझे भैया, छोड़ दे मुझे। ये बंद साले को बंद इधर। तुमने हमारे तीन साथियों को मौत के घाट उतार दिया। हम उनकी मौत का बदला तुम्हारे एक एक खून के कतरे से लेंगे। देवी सिंह, आज तक ऐसी कोई भी गोली नहीं बनी है जो सुल्ताना के सीने को चीर सके। रस्सी जल गई मगर बल नहीं गया। हमें मारने चला था क्यों रामजादे? आज हम तेरा दाह संस्कार करेंगे। बीरू हमारा दोस्त था, उसकी समाधि पर तुम्हारी अर्थियों के फूल चढ़ाएंगे, समझे? जोशी पंडित, तूने मेरी बहन को हाथ लगाया ना, मैं तेरे हाथ काट कर फेंक दूंगा। अरे भैया हाथ ही क्या, हम तो सुहाग रात भी मनाएंगे। हराम ज़दे! भैया कौन जाती का हरामजादी? इधर तो जोशी, खूब तिल बल के ऐश कर बेटा। भैया अपनी बहन की लाज, आज एक चंबल की बेटी की लाज बेच रही है भैया। भैया जय शेरावाली मां।
मेरी बहन को तूने इसी हाथ से छुआ। मारो भैया, मारो, मारो, जल्दी मारो लो भैया। चलो पद्मा। भैया। सुल्ताना के इलाके में सर उठाकर नहीं चल सकता। अब सुल्ताना चंबल का बेताज बादशाह है। तेरा दिया हुआ वचन मैंने पूरा कर दिया है। तेरे कातिलों को मैंने मट्टी में मिला दिया है। अब सिर्फ एक देश का दुश्मन बचा है, यंग। उसे भी चींटी की तरह मसल दिया जाएगा। सर, एक खबर मिली है। हमको कोई खबर नहीं चाहिए। Get out! गरम है, सुल्ताना बाप बनने वाला है सर। किसका बाप? तुम्हारा बाप, हमारा बाप, ये तो वो साबित कर चुका है। वो अपना, अपने बच्चे का बाप बनने वाला है सर। फूलकुंवर पेट से है। कंट्रोल में इंस्पेक्टर यंग बोल रहा हूँ। मैं जो भी कहता हूँ वो ध्यान से सुनो और मेरे ऑर्डर्स नोट करते जाओ। यहाँ से 100 मील की दूरी तक जितने भी अस्पताल हैं, जितने भी क्लिनिक्स हैं, जितने भी डॉक्टर्स हैं, जितने भी मिडवाइव्स हैं, सब पर पुलिस की नजर रहनी चाहिए। और सुल्ताना की बीवी जहाँ भी एडमिट हो जाए उसकी खबर हमको फौरन मिलनी चाहिए। और यहाँ का एक एक डॉक्टर जहाँ भी जाए उसका भी हमको रिपोर्ट चाहिए। और ध्यान से सुनो, दिस इज अ हाई प्रायोरिटी केस। तुम्हारे पास कमिश्नर साहब के रिटन ऑर्डर्स जल्दी पहुँच जाएंगे। और सुनो, इस केस में हमको कोई देरी नहीं चाहिए, समझे? राइट। होली मदर, हमने आपकी कसम जो खाई थी उसको पूरे करने के लिए हमको ये बच्चा और उसकी माँ दोनों चाहिए। बाबा, अले बाबा, अले बाबा। आप माने नहीं ना? रहा नहीं गया, मुन्ने की मोहब्बत खींच लाई। और मैंने जो कसम दी थी और कहा था अगर आप यहाँ आए तो मेरा मरा हुआ मुंह देखोगे। अरे जाने मन, इस नई जिंदगी को देखने आया हूँ। बिल्कुल मेरे सांचे में ढालकर पैदा किया है। देखो देखो, इसके सीने पर भी सूरज का निशान है। हाँ। मैं हाथ में सूरज लाया था, मेरा बेटा अपने सीने पर सूरज लाया है। अब हम बाप बेटे दोनों मिलकर दुनिया में रोशनी फैलाएंगे। बहुत हुआ जी, अब आप यहाँ से जाइए, मेरा दिल घबरा रहा है। अरे जाते हैं भाई, अपने बेटे को अच्छी तरह देख तो लेने दो। चलो बेटे, जाना ही पड़ेगा अभी। पकड़ो सबको, जल्दी जल्दी। आंखें खोलो,
नहीं जी, मैं जी नहीं सकूंगी। मुझे माफ कर दो फूल, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने तुम्हारी कसम तोड़ दी, अब उसकी इतनी बड़ी सजा मत तो पूछे। फूल, ये सजा नहीं, मेरे लिए तो इनाम है। आप पर आती बला को मैंने अपने सर पर ले लिया। नहीं। देखो, तुम्हें जीना होगा, जीना होगा तुम्हें, मेरे लिए, हमारे बच्चे के लिए। मेरे हाकिम का ख्याल रखना, उसे जज बनाना, और हो सके तो उसे अपने साथ मत रखना। मुझसे कुछ ना होगा, तुम्हें जीना होगा, तुम्हें को सब कुछ करना होगा। देखो, तुमने कहा था हम अपने बेटे को इंस्पेक्टर बनाएंगे, उसे इंस्पेक्टर ही बनाएंगे। अगर तुम, अगर तुम हमें छोड़कर मत जाना, तुम हमें छोड़कर मत जाना। बच्चे कहीं पता नहीं चला। तो फिर आसमान के खेमे फाड़ दो, जमीन के पखे उधेड़ दो, मगर मुझे मेरा हाकिम की लाश चाहिए। ढूंढो! यस सर। फाइल तुम्हारा इंतजार कर रही है। मैं भी कम बेताब नहीं हूं उस फाइल को पढ़ने के लिए। सर, एक बात पूछने की गुस्ताखी कर सकता हूं? नो गुस्ताखी, पूछो। पुलिस ऑफिसर होने के नाते मुझे कहीं भी भेजा जा सकता है, लेकिन सर एक बात बताइए, आपने इतना दबाव क्यों डाला कि मैं इसी इलाके में आऊं, यानी कि चंबल की घाटी में? यू सी, अच्छे पुलिस ऑफिसर का जरूरत हर पुलिस थाना में लगता है। यस सर, आप मुझसे सच छुपा रहे हैं, जो बात आप जानते हैं वो बता दीजिए ना। ओके, डू यू नो लंदन तक से मुझ पर दबाव डाला गया है कि मैं तुम्हें इस इलाके में बुलाऊं। इससे ज्यादा तफसील तुम्हें फाइल में मिल सकती है। हवलदार। यस सर। रेकॉर्ड रूम से फाइल नंबर 505 लेकर आओ। ओके सर। आपने फाइल पढ़ी है सर? यस सही, 15 साल से हमने भी काम किया है। ओ सर, फाइल नंबर 505। सिट डाउन हाकिम। यस सर। ओहो, डाकू सुल्ताना, इसका नाम मैंने लंदन के पेपरों में बहुत देखा है। ओहो, सुल्ताना जी, चंबल का बादशाह जी। उस चंबल के बादशाह को 7 दिन के अंदर अंदर चंबल का भिखारी बनाकर यहीं पर बिठाऊंगा। हाँ, आपका कान देखूं सरकार? क्या बक रहे हो? डोंट पैनिक ऑफिसर, कानों का पहचान यह हवलदार करता है। उन इंस्पेक्टर के कान जो सुल्ताना डाकू के हाथों मारा जाता है, क्योंकि उनकी लाश नहीं मिलती, सिर्फ कान मिलता है। कान? उसका कान उसकी लाश के सीने पर रखकर
आपके सामने पेश करूंगा सर, और तुम हवलदार उसके हमदर्द नजर आते हो सके तो उसके कानों तक ये खबर पहुंचा देना। ओके ऑफिसर, यू मे लीव, तुम जा सकता है। यस सर। सर बहादुर आदमी है। मुझे तो इसकी जवानी पे तरस आता है। सर फाइल मुझे मिल गई है सर। पढ़ ले। जी सर, थोड़ा बहुत पढ़ चुका हूँ, थोड़ा बचा है बाद में पढ़ लूंगा। पूरी पढ़ लो और कल हम तुम्हारे साथ बाहर निकलेंगे तुमको सारा एरिया दिखाने के लिए। जी सर, लेकिन आपको इस केस में ज्यादा दिलचस्पी है सर। हाँ, सरकार से भी ज्यादा। तुम बचपन से पूछते आए हो कि मेरी ये बाएं वाली टांग किस तरह खराब हो गई। आज सब कुछ बता देने का वक्त आ गया है। मेरी इस टांग में सुल्ताना ने गोली मारी थी। सर अब तक ये आपका निजी मामला था, लेकिन आज से मेरा है। आपने मुझ यतीम को पाल पोस कर इतना बड़ा किया है, लिखाया पढ़ाया और इस औहदे तक पहुंचाया है। सर आपके एहसानों की कीमत तो नहीं, लेकिन इस टांग की कीमत उस आदमी के सर से चुकाऊंगा। कसम खाकर कहता हूं, 7 दिन के अंदर अंदर उसे कसम मत खाओ। कसम मत खाओ। मैंने तो 20 दिन की कसम खाई थी और अब पूरे 20 बरस हो गए हैं। जल्दी तो है, लेकिन हमें जोश का उतावलापन नहीं चाहिए। जाओ और पूरी फाइल पढ़ लो। और हाँ, हेलेना को कोई मसला है उसे टालने की कोशिश करो। हमारे लिए तो 7 दिन का सब्र भी मुश्किल है। जाओ। आई अंडरस्टैंड सर, ऐसे ही होगा। अब बचो सुल्ताना, बचो। तुम्हारा ही खून, तुम्हारा ही जो शीला बेटा मैं तुम्हारे सामने ला रहा हूं। कब आई पद्मा? अभी आई हूँ भैया। और ये कौन है? ये मेरा बेटा राजू है। अच्छा अच्छा। हर बार तो बताती हूँ तुम्हें। पाए लागू मामा। चुक चुक जीव, आओ बैठो बैठो। क्या कर रहे हो? वकालत कर रहा हूँ मामा, मैं भी तो आपसे हर बार कहता हूँ। हाँ मैं भूल से जाता हूँ, जज बनना जज। हाँ मामा। क्या लाई है? वही तुम्हारी मनपसंद मक्के की रोटी और सरसों का साग, देसी घी का तड़का लगाकर। युग बीत गए, सदियां गुजर गई, मगर ऐसा लगता है जैसे कल ही की बात हो। अच्छा लगता है तुम लोगों का इस तरह आना जाना। भैया आज रक्षाबंधन है, हाथ आगे करो। अब माथे के बल हटाओ तो टीका करो। चुप चुप जियो मेरे भाई। क्यों बद्दुआएं देती हो पद्मा? इंसान जीता किसके लिए है? मैं किस लिए जीता हूं? ऐसी क्यों बातें करते हो भैया? मैं हूँ, राजू है, और फिर ये भी तो तुम्हारे बेटे जैसा ही है। हाँ, ये भी मेरे बेटे ही जैसा है। पर बेटे मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर सकता। काश
मैं अदालत में तुझे अपना केस दिला सकता। माँ अगर ये सच हो जाए तो? ऐसा कभी नहीं होगा बेटे, सुल्ताना का फैसला कोई अदालत करे ये कभी नहीं हो सकता। हाँ हाकिम होता तो दूसरी बात थी, कितना अच्छा होता, एक तरफ मेरा बेटा हाकिम जज बना होता, दूसरी तरफ तुम्हारा बेटा राजू वकील बना होता, और उन दोनों के बीच में मैं मुजरिम बना खड़ा रहता। मुझे फांसी भी हो जाती तो कोई दुख ना होता, खुशी होती मुझे, पर वो कम वक्त इस वक्त मेरे पास होता तब ना। लो, तुम यहां बैठे हो और मैं सुबह से कमरे में तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। झूठ मत बोलो, तीन बार तुम्हारे कमरे से होकर आया हूँ। अच्छा सुनो, हमें अभी वीरपुर चलना है। वीरपुर? क्यों, वहाँ क्या है, तुम्हारी माँ रहती है क्या? अजीत तुम्हारा वीरपुर तो यहाँ बैठा हुआ है। मजाक मत करो हाकिम, सच तो ये है कि माँ वीरपुर की थी, लेकिन पता नहीं अब वहाँ रहती भी है या नहीं, और फिर जिंदा भी है या नहीं। ये गंगा जमुना क्यों बहा रही हो? हाकिम तुम नहीं जानते, पापा ने माँ के साथ बहुत अन्याय किया, हिंदू लड़की के साथ शादी करने का शौक था उन्हें, वैसे ही जैसे घर में पेंटिंग सजाने का। लंदन जाते वक्त वो माँ को साथ ले जाना चाहते थे अपने सामान की तरह बांधकर। माँ ने कहा मैं अपना देश छोड़कर नहीं जाऊंगी, फिर मुझे लेकर झगड़ा हुआ, पापा मुझे ले जाना चाहते थे, माँ ने कहा मैं अपनी जान दे दूंगी लेकिन बच्ची को नहीं जाने दूंगी। फिर जानते हो पापा ने क्या किया? क्या हुआ? वो मुझे चोरी से उठा कर ले गए। ये तुम्हें कैसे पता चला? पापा के पुराने बटलर जॉन से। लेकिन माँ की क्या हालत है ये तो उसे भी नहीं मालूम, इसलिए हमें वीरपुर जाना ही होगा। तुम्हें तो अपनी पड़ी है, मैं अपने बारे में क्या कहूंगी? माँ कहेगी बाप के नक्शे कदम पर बेटी, पति भूल गया पर बेटी भी तो भूल गया। बेटी के सीने से लगते ही बहुत खुश हो जाएगी, सब कुछ भूल जाएगी। और मैं कितनी खुश होंगी। बचाओ! बचाओ! थैंक यू बाबा। बबुआ रात होने से पहले इस जंगल से निकल जाओ। लेकिन बाबा इस जंगल में कोई रहने की जगह है, कोई गेस्ट हाउस वगैरह? हाँ, उस पहाड़ी के पीछे एक घोंसला है जहाँ रात गुजारी जा सकती है। और ये थोड़ा सा खाना रख लो, यहाँ कोई बंदोबस्त नहीं होगा। थैंक यू बाबा। बाबा तुम कौन हो बाबा? हवा का झोंका, टूटा हुआ आईना, थका हुआ पंछी। बाबा एक बार फिर शुक्रिया। शुक्रिया कहकर हिसाब बराबर मत करो, कर्जा रहा किसी दिन वसूल कर लूंगा, प्यास समय खुश रहो। हाकिम तुम्हें एक घोंसला नजर आ रहा है, मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे इंग्लैंड का बकिंगहम पैलेस हो। माय गॉड, ओहो ये कोई पैलेस वैलेस नहीं है, गेस्ट हाउस है। लाओ बाबा की पोटली मुझे दे दो, भूख लगी है, थोड़ा सा खाना खा लूं। अच्छा सुनो हाकिम, बहुत अजीब आदमी था ना वो? अच्छा आदमी था, ये लो। लेकिन लगता है दिल के किसी कोने में एक बहुत ही गहरा एक दर्द लिए घूम रहा है, जैसे उसका कोई अपना कोई बहुत ही करीबी का बिछड़ गया। और आलू के पराठे कितने अच्छे हैं, ऐसा लगता है
जैसे उसके बहुत ही करीबी ने बनाए हो। अजी खाने पे ध्यान कम दो और कुछ सीखो। क्या? पराठा बनाना। पराठा? और मैं? हाँ। अच्छा सुनो, क्या आज रात हमें यहाँ अकेले रहना पड़ेगा? मैं जो हूँ तुम्हारे साथ। तुम? यस। अरे कहाँ जा रही हो तुम? लचकी लचकी चाल, ये गोल गुलाबी गाल और ये लचकी लचकी चाल, तेरी ये जुल्फों की खुशबू मेरे इस दिल को गई जब छू, इन झील सी गहरी आंखों में मुझे खोने दो, इन झील सी गहरी आंखों में मुझे खोने दो, फिर प्यार में जो जो होता है वो होने दो, नथनी में पहले मोती मुझे पिरोने दो, जरा इन पलकों की छाँव में मुझको सोने दो, फिर प्यार में जो जो होता है वो होने दो, फिर प्यार में जो जो होता है वो होने दो। हाँ बाबा, मैं उसी अंग्रेज अफसर यंग की बेटी हूं। क्या बात है बाबा, आप अचानक चुप क्यों हो गए? तो सुनो बेटा, तुम्हारी मां को मरे आज 13 साल हो गए। मरने से पहले वो पागल हो गई थी। वो कहा करती थी, मैं थानेदार की बीवी हूं, मैं तुम सबको पकड़ा दूंगी, सबको अंदर करवा दूंगी। बताओ मेरी बेटी कहाँ है? बताओ मेरी बेटी कहाँ है? उसे कौन उठाकर ले गया? ये कहते कहते इस दुनिया से चल बसी। पापा
कभी माफ नहीं करूंगी। ये यंग साहब अब बूढ़े हो गए हैं, अब सोचो। सुल्ताना की कहानी अगर ये होती तो मजा आ गया होता। यानी? यानी उसका कोई बेटा बेटी होता जो उससे बिछड़ गया होता तो पैदा किया जा सकता था। सुल्ताना उसे मिलने आता और उसका एक बेटा होता जो पैदा होते ही उसे बिछड़ जाता है। क्या सोच रहे हो? सोच रहा हूं कहीं उसका बेटा उसे मिल चुका हो तो। वो उससे कभी नहीं मिला, इसका यकीन मैं दिला सकता हूं। बेटा, मेरी उम्र और उसके बेटे की उम्र, सर मैं उसका बेटा लग सकता हूं? खूब लगोगे तुम उसके बेटे। सच कहूं तो तुमसे सच्चा उसका बेटा कोई नहीं लग सकता है। अब क्या सोच रहे हो? 20 साल के बाद सुल्ताना का बेटा लौट आए, कौन बाप अपने बेटे से मिलना नहीं चाहेगा? मामा, मामा। क्या हुआ? आपका बेटा इस गांव में आ रहा है। क्या कहा? फिर से कहो बेटा। हाँ मामा, आपका बेटा हकीम इस गांव में आ रहा है। अरे भीमा, आया सरदार। सुना तूने? मेरा बेटा मेरी तलाश में वापस आ रहा है, घोड़ा तैयार करो। सरदार, ये कहीं पुलिस की चाल हुई तो? होने दो, अगर पुलिस ने मेरे बेटे का नाम इस्तेमाल किया है तो भी मैं जरूर जाऊंगा। कहीं ऐसा ना हो कि वाकई मेरा बेटा मुझसे मिलने आ रहा हो और मैं पुलिस के डर से गुफा में छुपा रहा हूं। सरदार, आपको जाना ही है तो सूरज को ढल जाने दो। सुल्ताना आसमानी सूरज पर विश्वास नहीं करता, उसका सूरज उसकी मुट्ठी में है। है ना? कौन हो तुम? तुम कौन? मैं चंबल का बादशाह सुल्ताना, और तुम? तुम्हारा बेटा। तुम? आप? हवा का झोंका, थका हुआ पंछी, टूटा हुआ आईना, यह हालत तुम्हारी है या सुल्ताना की? जाओ बबुआ, बेटा बनकर आए हो इसलिए मैं तुम्हें माफ कर देता हूं। यह मेरा तुम पर दूसरा कर्जा रहा। आया। ठहरो। तुम्हारे चारों तरफ पुलिस के आदमी हैं। नजर उठा के देख लो, मेरे एक इशारे पर तुम्हें गोलियों से बूंद कर रख देंगे। तो तुम पुलिस के आदमी हो? हाँ, और यंग साहब का बेटा भी। खुद हार गए तो बेटे को भेज दिया, उसकी कसम 20 दिन की थी, 20 बरस गुजर गए। तुम्हें 20 बरस नहीं, 20,000 साल लगेंगे। 20,000 साल लग जाएं या एक युग लग जाए,
अपना फर्ज निभाने के लिए अगर मेरी जान भी चली जाए तो भी पीछे नहीं हटूंगा। फर्ज का दावा कर रहे हो, वो भी पूरी फौज के साथ। मैं तो अपने बेटे से निहत्था मिलने आया था। अगर तुम्हारे जिस्म में किसी बहादुर का खून है तो मुझे निहत्था पकड़ कर दिखाओ। अल्लाह कसम, मेरे अलावा कोई तुम्हें हाथ नहीं लगाएगा। सुनो, मेरे हुक्म के बिना एक गोली भी नहीं चलेगी, समझे? रात हुई, रात से सुबह होने जा रही है, लेकिन फैसला अभी तक नहीं हुआ। भगवान जाने फैसला कब होगा।
दोनों की जिंदगी बीत जाएगी। इससे बेहतर कि फैसला बंदूक से कर ले। मंजूर? हाँ मंजूर है। दो भरी हुई पिस्तौल दो। लो। चलो पीछे हटो, सब लोग पीछे हटो, चलो। दस कदम तुम चलोगे, दस कदम मैं चलूंगा और उसके बाद गोलियां चलेंगी। जो बच गया वो जीत गया। मंजूर? मंजूर। गोलियां तुमने तुमने पिस्तौल में नहीं भरी, ये तुमने धोखा दिया है सुल्ताना, तुमने चीट किया है मुझे। हकीम, मगर क्यों क्यों किया तुमने ये? इसमें कोई तुम्हारी बहादुरी नहीं है, बड़प्पन नहीं है, ये तुम्हारा तुम्हारा छोटापन है, ओछापन है। हकीम, ये तुमने क्या किया, ये तुमने क्या किया? सर, सर दिस मैन इज बिट्रेड मी। ये डाकू, ये आदमी मेरे हाथों क्यों मरना चाहता था? जवाब दो डाकू सुल्ताना, जवाब दो, क्यों? मैं पूछ रहा हूं क्यों? इंस्पेक्टर यंग, मैंने तुमसे कहा था ना कि पुलिस मुझे कभी जिंदा नहीं पकड़ सकती, और आज भी एक पुलिस ने नहीं मारा है मुझे, बल्कि एक बाप अपने बेटे के हाथों शहीद हुआ है। ये डाकू क्या क्या? ये डाकू तुम्हारा बाप है हकीम। मेरी हथेली का आफ्ताब तुम्हारे सीने का मेहताब है बेटे। मेरे लाल, एक बार मुझसे गले नहीं मिलोगे। ये क्या किया तुमने बाबा, क्यों किया ये? क्यों? राहत मिल गई बेटे। जंगल जंगल भटकने वाले मुसाफिर को घर मिल गया है। बाबा बाबा एक मिनट। यम साहब, सुल्ताना को गिरफ्तार करने का इनाम और तमगा भी उसके बेटे को मिलना चाहिए। बाबा, बेटे? हाँ बाबा, हाँ। मेरी जिंदगी में तुम्हारी भलाई नहीं थी, लेकिन मेरी मौत में है। हम सब, हमने आपको माफ किया और हमारे बेटे ने भी। हाँ बाबा, हाँ, हाँ। बाबा, बाबा, बाबा।
बाबा। हाँ सर,